पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विश्व जागृति मिशन द्वारा आशियाना फेज 2 स्थित श्री दिव्यालोक आश्रम में स्थापित दिव्यालोक गौशाला में महिला प्रधान शोभा अग्रवाल के मार्गदर्शन में महिला मंडल और गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के गुरुमुख द्वारा गुरुदेव की पुत्री डॉक्टर हर्षिता के 48वें जन्मदिन पर गौ माता की पूजा कर और उनको गौ ग्रास खिलाकर जन्मदिन मनाते हुए उनकी दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए गौ माता के चरणों में प्रार्थना की गयी। इस अवसर पर उपस्थित बड़ी संख्या में गुरुमुख माता बहनों ने गौ माता की पंडित लोकेश शास्त्री द्वारा पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना कराई गई। सभी ने गौ माता की पूजा अर्चना की, उनके चरण स्पर्श कर उनकी समस्त शरीर पर हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। स्मार्ट साउंड। गौशाला से संबंधित कार्यक्रम के बारे में आप मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पूज्य गुरुवर की बड़ी बेटी डॉक्टर अर्शिका दीदी जो कि ध्यान गुरु हैं, उनका आज जन्मोत्सव मनाया जाता है। उनकी दीर्घायु की प्राप्ति के लिए हम यहाँ पर सब गायों की सेवा करने के लिए आए हैं, सब महिला मंडल पूरा इकट्ठा होकर। क्या क्या संदेश देना चाहती हैं? ऐसे संदेश हम ये देना चाहते हैं कि गायों की सेवा करने से हमारे पूरे 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए, सारी देवी देवताओं को प्रसन्नता करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए अगर हमने गायों को भोजन करा लिया, उनकी सेवा कर ली तो हमने सब अच्छा पुण्य लाभ प्राप्त किया और एक गायों को हमारे भोजन भी मिला। जो अनाथ गाय इधर उधर घूमती रहती हैं उनको भोजन भी प्राप्त। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।